देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। हवा में धोखा, यात्रियों की टिकट कंफर्म फिर भी प्लेन में सीट नहीं। प्लेन कंपनियों ने 6 माह में 21,000 से ज्यादा को फ्लाइट में चढ़ने से रोका। अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर में 5 अगस्त से एक भी गोली नहीं चली, ना ही किसी की जान गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरगंज में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए किसान और बेटी की मौत। छत्तीसगढ़ में गुजारा भत्ता मांगने पर भड़का पति, पत्नी को दिया 3 तलाक। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पाक बैट कमांडो और आतंकी, सेना ने ग्रेनेड से मार गिराया। एयर इंडिया के विनिवेश पर वित्त मंत्री की आज बैठक, 8400 करोड़ पार कर चुका है घाटा। सिंधी हिंदू स्टूडेंट नम्रता चंदानी की हत्या के विरोध में कराची की सड़कों पर धरना प्रदर्शन। अमेरिका में 44 सांसदों ने की डोनाल्ड ट्रंप से अपील, भारत का तरजीही व्यापार दर्जा वापस दे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज, कहा जेल जाने वालों को मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।